हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, मैंने सुना है कि सोशल मीडिया में न्यूज़ चल रही है कि सितंबर में काफ़ी शो जाने वाले हैं, इसीलिए सितंबर में जो पॉपुलर शो हैं उनसे भी टीआरपी की डिमांड कर दी है। ऐसे में जिन नए शो की जो है स्वागत किया जाना चाहिए था गणेश चतुर्थी पर, ऐसे में उन्हें डीले कर दिया गया। ऐसे में डीले जो है 15 डेज किया गया, जिसकी खबर हमने लाइव में भी दे दी थी कि 16 सितंबर को काफ़ी शो की खबरें आपके सामने आ जाएंगी। उसी के बीच में खबर आई है कि पॉपुलर शो बड़े ट्विस्ट दे रहे हैं, जिन्हें लग गया है कि ये ट्विस्ट देना बहुत ज़रूरी है और यही है वो जो हमारी टीआरपी जितनी मांगी है वहाँ तक जा सकते हैं। तो चलिए, वैसे तो बहुत से शो हैं जिनसे टीआरपी की डिमांड की हुई है, लेकिन मैं यहाँ वो शो की बात करूँगी जो इस हफ्ते आपको ट्विस्ट से भरपूर रखेंगे और चैनल चेंज करने के लिए मजबूरी में भी नहीं कहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कलर्स का मंगल लक्ष्मी, जिसका प्रोमो आ गया है। शुरुआती से ही यही दिखाया था कि वो उसकी सौतन है, वो उसके पति से उसका चक्कर चल रहा है। काफ़ी बार तो ये कंट्रोवर्सी में भी आया, बिल्कुल अनुपमा की कॉपी कर रहा है। कई बार स्टार ट्विटर पर ट्रोल कर दिए जाते हैं, चाहे वो दीपिका सिंह हो या फिर अदर्स हो। ऐसे में जो है फिर भी शो टीआरपी सही दे रहा है, लेकिन जो टीआरपी इसने शुरुआती दिनों में दी थी वो टीआरपी का इसका वो जोश ख़त्म सा होता जा रहा है। उसी जोश को दोबारा बढ़ाने के लिए मेकर्स ने जो है सबसे बड़ा दाव खेला है, वो कुछ और नहीं, वो है सौतन का राज जो है सामने आ जाएगा, जो है आपकी प्यारी मंगल के सामने। अब क्या मंगल की सास मंगल को मॉडर्न बनाएंगी, पढ़ी लिखी बनाएंगी, हर चीज़ सिखाएंगी? भाई सास है, कुछ भी कर सकती है। फिर आता है आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई ये रिश्ता में शादी का ट्रैक काम और अक्षरा का राज को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ बना हुआ है। ऐसे में हर कोई जो है ये जानना चाहता है कि अक्षरा के साथ क्या भाई अबीर भी सामने आ जाएगा। अक्षरा का राज आएगा तो अभिमन्यु भी आएगा, अभिमन्यु आएगा तो अबीर भी आएगा। पूरे ट्रैक में सबसे ज़्यादा क्रेज़ यही है और यही क्रेज़ आपको जो है इस हफ्ते दिखाने वाले हैं। फिर आता है आपका रब से है दुआ, जहाँ पे कहानी शुरू हुई थी कि कौन किसकी बेटी है, कौन किसे धोखा दिया, जिसने पूरी उम्र जो है आधी उम्र में जो है कह सकते हैं बड़ा दुख भरा। तो क्या ये राज सामने आ जाएगा और क्या हीरो वाकई ही समझ पाएगा कि जिससे वो प्यार करता था वो तो एक सुंदरता की दुकान थी, लेकिन जिसका दिल साफ था उसे तो वो पहचान ही नहीं पाया। फिर आता है आपका मेघा बरसेंगे। भाई मेघा बरसेंगी टीम जॉर्जिया चली गई है, जहाँ पे आपने सीरियल में देख भी लिया है कि राज ओपन हो गया है, जो कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था और वहाँ भी जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। ऐसे में जो है भैया वो मेघा को मार रहा है, मेघा बेचारी बेबस है। तो ऐसे में काफ़ी क्रेज़ में शो चल रहा है और काफ़ी सारे ट्विस्ट इसलिए जल्दी दिए जा रहे हैं क्योंकि इस पर तो स्पेशली टीआरपी का प्रेशर पड़ा हुआ है। ऐसे में इसका डिसीज़न भी 15 सितंबर को ही होना है, जो कि पहले से ही न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। फिर आता है आपका नंबर 5 की पोजीशन पे, वो कौन सा शो है, वो कौन सा शो है जो कि नंबर 5 पे है, लेकिन भाई कह सकते हैं ये कुछ भी कर सकता है, इसका भरोसा करना नामुमकिन है। वो है आपका प्यारा अनुपमा शो, कि जहाँ पे मान की शादी का ट्रैक होगा और उसी शादी में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा। भाई शादी है और भूचाल ना आए, सीरियल की इंडस्ट्री में तो यही देखा गया है, शादी हो खुशी हो समझ जाओ आने वाले तूफान की दस्तक दे रहा है। तो ऐसे में ये हैं आपके टॉप 5 शो जो कि काफ़ी क्रेज़ में है, जहाँ पे कोई वनराज को जानना चाहता है तो मंगल की सोच जानना चाहता है, और जहाँ पे वो जो है सीरियल में ये रिश्ता में अक्षरा का राज जानना चाहता है। हर एक शो एक क्रेज़ में बना हुआ है। तो इन शो में से आपको कौन सा शो लगता है जिसकी टीआरपी वाकई दमदार निकलेगी और ट्विस्ट से भरा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।